बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके नाम में, काम में, घर में, इज्जत में, सेहत में, ज़िंदगी में, माल में बरकत अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ नहायत ही अच्छी प्रोडक्ट है, जो सिर्फ़ और सिर्फ आप 10,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा बिजनेस है। जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, वो इस कारोबार को स्टार्ट करके देखें। बहुत ही अच्छा बिजनेस है, फार्मुलेशन के साथ, इसके केमिकल, और अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार, मार्केट का तरीकाकार आपके साथ शेयर करूंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक इनसाइट बिजनेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इनसाइट बिजनेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह आप अपने ही घर से नील पाउडर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ ख्वातीनों हजरात दोनों इस कारोबार को कर सकते हैं। तो इसके अंदर केमिकल कौन से यूज़ होंगे? ये आम मार्केट से मिलने वाले केमिकल हैं, हर शहर से आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आपने केमिकल वाली दुकान पर जाकर जामनी कलर और नीला कलर खरीदना है, साथ आपने स्टार्च लेनी है। ये जो कपड़ों को माया दी जाती है, ये स्टार्च या अरा रोट के नाम से आप इसको ले सकते हैं। इसकी क्वांटिटी कुछ यूँ है कि आप जामनी कलर लेंगे 500 ग्राम, नीला कलर आप लेंगे 250 ग्राम, स्टार्च या अरा रोट आप लेंगे 10 kg। उसके बाद इसके बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप मिक्सर के अंदर अरा रोट को डालकर उसके अंदर जामनी कलर और नीला कलर ऐड करके आप मिक्सर को चला दें 10 से 15 मिनट। जब मिक्सर चलेगा, ये अच्छे तरीके से केमिकल आपस में मिक्स हो जाएंगे, इसमें वेटनेस नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल नील बन जाए। जब नील पाउडर तैयार हो जाए तो आप इसको निकाल कर पैक कर सकते हैं। इसको आप लूज़ में भी सेल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जैसे रबर नील की डिबिया है, ऐसी डिबिया बनवा कर आप इसको अपने नाम से भी सेल कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप पानी के अंदर, पानी को थोड़े से 1 kg पानी को गर्म करें, उसके अंदर आप 500 ग्राम नीला जामनी कलर, 250 ग्राम नीला कलर डालकर अच्छे तरीके से उसको डिजॉल्व करें। फिर अरा रोट या जो आप स्टार्च लेंगे उसके अंदर इस पानी को डालकर आप मिक्सर को चला दें। जब ये तैयार हो जाए उसके बाद इसको आप अच्छे तरीके से पाउडर कर लें, इसमें गिटली नहीं रहनी चाहिए, तो इसको आप पैक करके मार्केटिंग कर सकते हैं। इसकी मार्केटिंग बहुत ही आसान है। आप किराना स्टोर पर भी इसकी मार्केट कर सकते हैं, बड़े बड़े मार्ट पर भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसकी मार्केट आप लूज़ में भी कर सकते हैं। लूज़ पॉलीथीन के बैग में पैक करके आप इसको बाज़ारों में सेल कर सकते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ शहरों में बाज़ार लगते हैं, जुम्मा बाज़ार, एतवार बाज़ार, बुध बाज़ार, ऐसे बाज़ारों पर भी इसकी अच्छी खासी डिमांड है। आप इसको बनाकर अच्छा खासा रोज़गार कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।